में तीस करोड़ की टैक्स चोरी सीतापुर के तंबाकू कारोबारी से दस करोड़ बरामद हुए लखनऊ में पड़े आयकर विभाग के छापे में इनकम टैक्स विभाग ने करीब तीस करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है इसके अलावा करीब एक करोड़ रुपए कैश मिला है ट्रांसपोर्ट नगर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के यहाँ पिछले करीब अड़तालीस घंटों में छापा पड़ा है आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है की यह टैक्स चोरी बोगस बिलिंग करके की जाती है लखनऊ के अलावा सीतापुर बरेली और आगरा में छापा पड़ा है बताया जा रहा है है कि लखनऊ में जहां 30 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी वहीं सीतापुर में तंबाकू कारोबारी के यहां पड़े छापे में 10 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है सीतापुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकाने पर हुई छापेमारी में 10 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी के सुराग हाथ लगे हैं इसके अलावा 50 लाख रुपए नगद और करीब तीन किलो सोना चांदी के गहने मिले हैं इस दौरान हवाला ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आ रही है कोलकाता की सेल कंपनियों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया है ट्रांसपोर्टर लखनऊ के बड़े स्कूलों को बसों की सप्लाई की जाती थी इसमें बसों की बॉडी और रिपेयरिंग के नाम पर बोगस बिलिंग की की जाती थी जीएसटी का बड़े स्तर पर छापा पड़ा था जिससे पहले जीएसटी का छापा भी बड़े स्तर पर पड़ा था प्रदेश में इकहत्तर जिलों में यह छापा पड़े थे जब फर्नीचर और सरिया कारोबारियों को निशाना बनाया गया था उस समय पूरे प्रदेश में करीब चार सौ से ज्यादा कारोबारियों के यहाँ पर छापा पड़े थे छापे के दौरान विभाग को करीब सौ करोड़ से ज्यादा रुपए मिले थे